हुकूमत 31 अगस्त तक है, इसके बाद बड़ी सियासी तब्दीली आएगी। शेख रशीद ने एक बार फिर पेशगोई कर दी, कहते हैं इस हुकूमत का एक फैसला भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। पीटीआई पर पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट एक पेशी में ही उड़ाकर रख देगी। ये अदलिया से निमटने की बातें कर रहे हैं, इस बार अदलिया इन्हें रोन देगी। इस दफा रोन देंगी, 11 और 2 का फैसला आया है जनाब, 11 और 2 का फैसला आया है, 2 में 1 वोट चीफ जस्टिस साहब का है। जजों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, अदलिया के खिलाफ जिस तरह की बात की जा रही है कि आईनी हाथों से निपटेंगे, जिस मुल्क में जुम्मेदारान ये कहें कि हम अदलिया को आईनी हाथों से निपटेंगे, तो फिर उसका सियासी अंजाम क्या होगा वो 31 अगस्त से पहले पहले आ जाए। शेख साहब, ये पाबंदी लगा के क्या करेंगे? देखिए ना, उसके लीडर को इन्होंने सजा दे दी, 3 सजाएं दी इलेक्शन से पहले, उसका नतीजा इनके खिलाफ गया, उसके हक में गया, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जिस ये पाबंदी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो रद्दी की टोकरी में सुप्रीम कोर्ट उसको भेज दे। और एक सदर जब होता है उसको सारे सल्यूट मारते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तो आप कहेंगे कि वो गद्दारी में शामिल है। मैं समझता हूँ ये बड़ी अकली है।